खंडवा जिले के ग्राम धनगांव में ओम शिव शक्ति हार्डवेयर और किराना दुकान पर चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें ओम शिव शक्ति हार्डवेयर के मालिक जितेंद्र वर्मा ने बताया कि चोरी की वारदात को रात 2 बजे के लगभग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। ओम शिव शक्ति हार्डवेयर दुकान से पहले भी चोरों ने 2 से 3 बार चोरी को अंजाम दिया था, लेकिन अभी तक धनगांव थाना प्रभारी तथा स्टाफ की ओर से चोरों की खोजबीन नहीं कर पाई। जिस दिन चोर अपनी बुलंदी दिखाकर हर रोज लाखों की चोरी करने में सफल हुए हैं, वही धनगांव थाना प्रभारी TI रावत ने बताया कि कल से मेरे धनगांव थाने में ज्वाइनिंग हुई है, यह घटना मेरे संज्ञान में नहीं थी। अब इस घटना को संज्ञान में लेकर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। खंडवा साइबर सेल के द्वारा भी जाँच कराई जा रही है। न्यूज़ इंडिया N9 मध्य प्रदेश हेड रजाक खान के साथ कैमरामैन देवेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट। सर, धनगांव क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है, इनके दुकान पर बताया जा रहा होम ट्रेडर्स पे 4 चोरियां हो गई, सर पुलिस का क्या एक्शन है इसमें? पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है, वो जो संदिग्ध है 2 संदिग्धों को लाए हैं, उनके नाम है कृष्णा पिता अबला भमोरे निवासी खेड़ी किता और दूसरा है विष्णु पिता भैयालाल कोचले निवासी टपाल चाल धनगांव का है। इनका फुटेज हम सकल जैसा है तो इनको पूछताछ के लिए थाने पे लाए हैं और अभी थाने पे पूछताछ, उनके फिंगरप्रिंट घटना स्थल से लिए, इनके भी फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और उसका मैच कराएंगे, अगर फिंगरप्रिंट मिलता है तो इनकी कार्रवाई। सर, जानकारी के अनुसार यहाँ पर साइबर सेल की टीम ने जांच भी की है, तो इसमें उन्होंने क्या विवेचना की है, क्या बताया उन्होंने? वो अभी अपनी जांच रिपोर्ट फिंगर जांच करके वो अपनी रिपोर्ट देंगे हमको, उस आधार पे अगर इनका फिंगर और वो जो वहाँ पे मिला है उसका मिलान होगा तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी। क्या सर आपको लगता है कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा होगा? चोरी के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और इसको निकाल के रखेंगे, बिल्कुल कार्रवाई होगी, इसमें जो भी आगे क्लू मिलेगा उस पर हम चलेंगे और कार्रवाई बराबर मुलजिम गिरफ्तार। आपके दुकान पे लगातार चोरी हो रही है, इसकी आपने कंप्लेंट लिखवाई है कभी? क्या बोल रही है अपने धनगांव थाने के पुलिस? वहाँ जाओ अपन रिपोर्ट लिखवाने हैं तो वो बोलते हैं कि आवेदन दे दो, आवेदन लिख लेते हैं और बोलते देखते हैं। बोले आपको ऐसा किस पे शक है, कौन चोरी कर सकता है? चोरी करने में सर हमारे पास जो फुटेज में एक लड़का का हमें शक हुआ है, वो फुटेज हमने थाने में भी दिया है और लड़के को भी पकड़ा है पुलिस ने, और एक दिन पहले जो हमारे चोरी हुई थी उसके आधार पे उसे पकड़ा था, तो उसे एक दिन रखा, उनने कोई पूछताछ नहीं करी और शाम को उसे छोड़ दिया। शाम को छोड़ने के बाद फिर हमारे यहाँ ताले टूटे, उसी रात में जिस रात में उसको छोड़ा उस रात में फिर ताले टूटे, और ताले टूटकर जो हमारे यहाँ पे DVR लगा हुआ था कैमरों का रिकॉर्डिंग का, वो DVR को लेके गए। लगभग कितने हजार की चोरी हुई है? लगभग अभी तक 4 चोरी में माने जाए तो 1.5 लाख।